अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, नेकी में किसी भी चीज़ को हकीर न समझो, अगरचे तू अपने भाई से खंदा पेशानी से ही मिले। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि नेक अमल खा कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, उसे हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस नेक अमल को कर गुजरना चाहिए। क्या मालूम कि यह अमल हमारे लिए मगफरत का जरिया बन जाए और अल्लाह तबारक व ताला की रजा का जरिया बन जाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ असल यह है कि अमल मकबूल हो और वह अमल अल्लाह तबारक व ताला को पसंद हो, अगरचे वह छोटा अमल ही क्यों ना हो। अहादीस मुबारका में कई ऐसे वाकियात मिलते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तसर नेकी आमाल की वजह से मग़फ़िरत फरमा दी है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक कुत्ते को शदीद प्यासा देखकर एक औरत को तरस आया और उसने उसे पानी पिला दिया। वो औरत बदकार थी, अल्लाह ताला ने उस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। इस हदीस से इस बात का बखूबी इल्म हो जाता है, जब जानवर के साथ उसने सुलूक का अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से यह असल सिला दिया गया और मामूली नेकी पर अजीम और अजर सवाब से नवाजा गया, तो जो आदमी इंसानों के साथ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ उसने सुलूक करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर उसे कितना अजीम अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह मसनद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अच्छे कामों में से किसी काम को मामूली ना समझो, खा ये काम हो कोई चीज बांधने के लिए रस्सी देना, जूते का तस्मा देना, अपने बर्तन से पानी किसी प्यासे के बर्तन में उंडेलना, रास्ते से लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली कोई चीज हटा देना, अपने भाई से खंदा रुई से मिलना, मुलाकात के वक्त अपने भाई को सलाम करना, बिदकने वाले जानवरों को मानूस करना। इस हदीस में देखें कि ये सारे काम मामूली नौयत के हैं मगर नेकियों में शामिल है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों की तरगीब दी। इसी तरह रिवायत में है कि एक रास्ते पर एक दरख्त गिर गया था या उसकी टहनियां फैली हुई थी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, एक आदमी ने उसे काट कर अलग कर दिया। इस अमल की वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक बन गया। एक शख्स ने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, क्या हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार के साथ अच्छा सलूक करने पर अजर मिलेगा। खुलासा यह हुआ कि कोई भी नेक अमल हो, ख्वाब मुख्तसर ही क्यों ना हो, वो छोटा सा ही क्यों ना हो और देखने में मामूली ही क्यों ना हो, वो हम सबको करना चाहिए। क्या मालूम अल्लाह तबारक व ताला को वही अमल पसंद आ जाए और हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज। अल्लाहु, अल्लाहु, अल्लाहु।